सेट्स हैं, हमें आर एक सेट गिवन है, दैट इज इक्विवेलेंस है, रिलेशंस गिवन है, नॉट सेट्स. आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए. सेट ए पे जो है ये रिलेशंस हैं दोनों. देन जो इनका इंटरसेक्शन होगा दैट विल अगेन बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो दैट इज अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन. बट फॉर द यूनियन वी आर नॉट श्योर कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं. तो आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशंस. On set A, so this implies R intersection S is also equivalence, and R union S may not necessarily, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, may not necessarily be an equivalence relation. So एक आपका ये result हो गया कि question आपका इस तरीके से आ सकता है कि R and S are two equivalence relations. Options में आ सकता है R intersection S is equivalence, R union S is equivalence, और इसमें से R is equal to S is equivalence. So R equal to S वाली option इसके साथ नहीं आएगी क्योंकि already आपको वो given है कि वो equivalence relation है. तो एक ये option, एक ये option, then C option आपकी इस तरीके से आ सकती है, both A and B are true. या डी ऑप्शन ऐसे आ सकती है, नन ऑफ डी. तो उसमें आपने आर इंटरसेक्शन ए जो है, अगर आर और एस दोनों इक्विवेलेंस हैं तो आर इंटरसेक्शन एस जो है दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना होगा. देन अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेट अस सपोज हमें आर गिवन है तो इसका जो इनवर्स होगा दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन. एक इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स भी हमेशा इक्विवेलेंस होता है. देन हमें गिवन है कि लेट अस सपोज कि हमें ए और बी जो है दो सेट्स रिलेशंस गिवन है, फंक्शंस गिवन है यू कैन से. उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ए में एम है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हमारे पास एन है. तो ए और बी में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो हमने यहाँ पे अगर लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगर हम ले रहे हैं तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है. ए में एम एलिमेंट्स हैं, बी में एन एलिमेंट्स हैं, फंक्शन जो है हम ले रहे हैं फ्रॉम ए टू बी. तो बी में जो आपके एलिमेंट्स हैं दैट इज एन. तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी that is equal to number of elements of B raised to power number of elements of A. जो आपका जिस सेट से आप कहो कि ले रहे हो और जिस सेट पे आप बना रहे हो फंक्शन, जिस पे बना रहे हो वो बेस में आएगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेस में आएंगे. जिस से बना रहे हो यानी कि A to B जा रहा है तो A के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे that will be in the power, that will be taken as an exponent you can see. उसके बाद सेम वे में अगर हमें सेट ए से सेट बी पे निकालने हैं वन वन फंक्शंस, सेम हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमें एम गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमें एन गिवन है, एंड वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस. तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस जो है दैट इज गिवन बाय एन पी एम. एन जो है दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. M जो है that is n जो है that is the number of elements in A and M जो है n जो है that is the number of elements in B. So this will be from आप one one function बना रहे हो from set A to B. So this will be given by n then permutation m. So n p m आपका जो है that will give you the number of one one functions. ये सारा आपको send किया हुआ है already. तो आप वहां से लर्निंग कर लीजिएगा इन फॉर्मूलाज की, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. आपका क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गिवन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन होंगी, तो आपको इस वे में निकालना होगा. तो अब आपको इसमें जो है ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है दैट शुड बी मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तभी आपका ये एनपी आर वाला जो आप फॉर्मूला लगाते थे वो पॉसिबल हो पाएगा. उसके बाद इधर दे कैन बी इक्वल और दे दिस एम एन शुड बी ग्रेटर देन एम, दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं. उसके बाद अगर मान लो मेरे पास एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो हमें जो है ए से ए पे मतलब उसी सेट पे नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं विच आर ऑन टू. अब मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मेरे पास एम है और मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं फ्रॉम ए टू ए, ए से ही ए पे ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं, तो दैट विल बी गिवन बाय जितने इसके एलिमेंट्स होंगे उसका फैक्टोरियल. एन एलिमेंट एम एलिमेंट्स हैं तो दिस विल बी एम फैक्टोरियल. अगर इसी तरीके से ऑन टू फंक्शंस ऑन डिफाइंड फ्रॉम बी टू इटसेल्फ अगर मुझे निकालनी है तो दैट विल बी गिवन बाय बी फैक्टोरियल. देन ग्राफ अगर हम लेके चलते हैं कि एक हमारे पास रियल फंक्शन है उसके ग्राफ से हमने चेक करना है कि वेदर इट इज अ वन वन फंक्शन और नॉट, तो हमने क्या करना है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है ग्राफ पे. अगर उसकी जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राफ को मोर देन वन प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वी विल से कि ग्राफ जो है वो रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. रियल फंक्शन को वो कब रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फंक्शन को वो कब रिप्रेजेंट करेगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को एट वन पॉइंट ओनली इंटरसेक्ट करेगी. सेम वे में अगर हम कहें कि एक कर्व जो है वो एक रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर वो वर्टिकल लाइन को एक प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है देन वी विल से दैट जो कर्व है दैट इज द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन. अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. हमें गिवन है इफ द सेट ए कंटेन्स सेवन एलिमेंट्स, एक सेट मुझे ए गिवन है जिसमें सेवन एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज सेवन. फिर वो कह रहे हैं कि सेट बी जो है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज गिवन टू बी टेन. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हमारे पास टेन है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हमने निकालने हैं फ्रॉम ए टू बी. अभी हमने इसका फॉर्मूला किया है यहाँ पे, तो अगर हम नंबर ऑफ फंक्शंस इस तरीके से निकालते हैं वन वन फंक्शंस हमने निकालने हैं तो दैट इज गिवन बाय एन पी एम. इसके एलिमेंट्स एन होते हैं, इसके एलिमेंट्स एम होते हैं, तो दैट इज गिवन बाय एन पी एम. अब बी के एलिमेंट्स टेन, ए के एलिमेंट्स सेवन, तो दिस शुड बी गिवन बाय टेन पी सेवन. अब इसमें जो मुझे ऑप्शंस गिवन है दैट ऑप्शंस आर टेन सी सेवन. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि इस तरीके से भी थोड़ा सा ट्विस्ट देके स्टेटमेंट आपका चेंज हो सकता है. उसके बाद सेवन रेज टू पार टेन, टेन रेज टू पार सेवन एंड टेन सी सेवन इंटू सेवन फैक्टोरियल. अब आपने प्लस वन में कंसेप्ट किया हुआ है, एनपीआर और एनसीआर का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है. एनपीआर जो है दैट इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. एनसीआर आप क्या लेके चलते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. इसको जब आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल विच इज एन पी आर. तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली टेन पी सेवन ना दे के ये इस तरीके से दे दिया, तो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर. तो हल्का सा ट्विस्ट क्वेश्चन में हो सकता है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. सभी कंसेप्ट आप लोगों ने किए हुए हैं तो बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट आपको अपनी करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करनी होगी. नो वाइटनर इज टू बी यूज, वाइटनर अगर आप यूज कर लोगे किसी भी आंसर में तो दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आपने वाइटनर यूज किया है दैट वॉन्ट बी चेक्ड, चाहे वो सही भी होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दैट.
Now the next one we are having, हमें एक function given है, f of x is equal to e to the power x square. फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है, अगर यहाँ x की पावर आपकी इवन है, x की पावर इवन मतलब यहाँ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज पॉजिटिव बना लिया मैंने e की पावर्स को, तो दिस आफ्टर टेकिंग एलसीएम विल बिकम x टू द पावर 4 माइनस 1 x to the power 4 plus 1. अब अगर आप इसको देखो तो ये f of x है हमारा, जिसमें x की पावर क्या है even, यानी कि इसको मैं चाहे नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए लूं या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए लूं, जो मेरी f of x की वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम फॉर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. लेट अस सपोज कि मैंने f of माइनस 1 ले लिया, f of माइनस 1 जब मैं लूंगी तो x की वैल्यू मैंने माइनस वन पुट की, माइनस वन रेज टू पावर इवन दैट विल बी e माइनस वन अपॉन e प्लस वन. अब मैंने अगर f of x की वैल्यू जो है मैंने अगर वन ले ली तो अगेन x टू द पावर फोर विल बी वन, तो ये आपका बन गया e टू द पावर वन दैट इज e माइनस वन अपॉन e प्लस वन. मुझे ये चेक करना है वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू ऑप्शन जो है मुझे वो गिवन है. फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू, मेनी वन बट ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू, मतलब वन वन और ऑन टू का कंसेप्ट मुझे इसमें चेक करना है. तो व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस एज एन इवन पावर, तब आपका ई टू द पावर जो है वो हमेशा सॉल्व आउट करके नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स के लिए बोथ द वैल्यूज विल बी सेम, तो आपका फंक्शन जो है दैट विल नॉट बी वन वन. उसके बाद जब आप e टू द पावर वाला कंसेप्ट ले रहे हो, यहाँ पे जब आप लेके चलोगे इसकी जो आपकी वैल्यू लेके चलोगे, जब x आपका जीरो है, देखो जब आपका x नेगेटिव है या x आपका जब पॉजिटिव है उस टाइम पे ये वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव हो जाएगी एंड दैट विल बी अगेन ग्रेटर देन वन. ये वैल्यू जब आपका x आप जीरो लेके चलोगे, दिस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है e टू द पावर जीरो बन जाएगा, e टू द पावर जीरो इज वन, तो दैट इज वन माइनस वन, यानी कि न्यूमिरेटर की जो मेरी वैल्यूज आएंगी दैट विल बी जीरो से इंक्रीज होती जाएंगी, मिनिमम वैल्यू जो मेरे पास इसकी आएगी दैट विल बी जीरो. और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो अगेन डिनोमिनेटर भी जो है मेरा वो क्या जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. तो जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर जीरो आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट विल बी मिनिमम, जो हम कहें कि वैल्यू आ रही है दैट विल बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो. बाकी जो वैल्यूज हैं मतलब मिनिमम जीरो होगी, बाकी सभी वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. अब अगर मैं इसका कोडोमेन चेक करूं तो कोडोमेन में क्या है, दिस इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है कोडोमेन, और जो आपका इसका रेंज आ रहा है दैट इज जीरो टू इंफिनिटी, यानी कि जो रेंज है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, दैट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, उसका सबसेट है. व्हेनेवर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन तो आपका जो फंक्शन होता है दैट इज नॉट ऑन टू. ऑन टू फंक्शन होने के लिए रेंज जो है दैट शुड बी इक्वल टू को डोमेन, यानी कि को डोमेन का हर एलिमेंट जो है दैट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ द रेंज. अब रेंज जो है वो इक्वल टू को डोमेन नहीं आ रही तो फंक्शन नॉट ऑन टू है, अगेन नॉट वन वन है तो फंक्शन नॉट वन वन नॉट ऑन टू मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, नीदर वन वन एंड नॉर ऑन टू. सो ई टू द पावर वाले क्वेश्चंस आप यहाँ से अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके कर सकते हैं. इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं, यू कैन सी फ्रॉम द नेट कि किस तरीके से आपने इनको सॉल्व आउट करना है, यू कैन चेक इट आउट. नाउ द नेक्स्ट एक इसकी अब हम केस स्टडी कर रहे हैं.
एक एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स. केस स्टडी है ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाइक रेस जो है कंडक्ट की, दो डिफरेंट कैटेगरीज ली, बॉयज की एंड गर्ल्स की. टोटली देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स. टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 250 थे. अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस. 3 जो है वो कैटेगरी 1 से यानी कि 3 बॉयज, और 2 जो है वो कैटेगरी 2 से यानी कि 2 गर्ल्स जो है वो सिलेक्ट की गई. रवि फॉर्म्स 2 सेट्स बी एंड जी. हाँ जी ले जाओ. रवि फॉर्म्स 2 सेट्स बी एंड जी विद दीज पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फॉर द कॉलेज प्रोजेक्ट. अब रवि क्या करता है, इनके दो सेट्स बना देता है, जो कैटेगरीज फाइनली सिलेक्ट हुई हैं उनके दो सेट्स बना देता है, बी एंड जी. बी इज अ सेट विच इज हैविंग द बॉयज एंड जी इज अ सेट हैविंग द गर्ल्स. तो बी एंड जी, बी वन बी टू बी थ्री एलिमेंट्स हैं बी सेट के एंड जी वन जी टू एलिमेंट्स हैं सेट जी के. रवि डिसाइड्स टू एक्सप्लोर दीज सेट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो अल्टीमेटली मतलब केस स्टडी जो है, अगेन उसमें आपको पहले एक स्टोरी दे दी जाएगी कि सेट्स किस तरीके से बने. जैसे यहाँ पे कहने के लिए यह डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता था, आपको सेट गिवन हो सकता था ए दैट इज अ सेट ऑफ 3 बॉयज बी वन बी टू एंड बी थ्री एंड सेट बी जो है दैट इज अ सेट ऑफ गर्ल्स जी वन एंड जी टू. बट केस स्टडी है तो अगेन एक स्टोरी विल बी फ्रेम्ड फॉर दैट. तो बी वन बी टू बी थ्री एंड जी वन जी टू जो है हमारे पास ये सेट्स आ गए. सेट्स के नेम उसने दिए यहाँ पे बी फॉर बॉयज एंड जी फॉर गर्ल्स. अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी. अब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखूं तो दैट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी देखें तो दैट इज 2. अब उसने क्या करना है यहाँ पे, ही विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी. बी से जी पे जितने भी रिलेशंस बनते हैं उसको वो सारे फॉर्म करने हैं. तो हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल, हमें ये फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ रिलेशंस का, दैट इज 2 रेज टू पावर प्रोडक्ट ऑफ दीज 2. तो 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 6 रिलेशंस आर पॉसिबल. ये आपने प्लस 1 में भी किया होगा फॉर्मूला. नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल जितने भी रिलेशंस हम इनसे बना सकते हैं दैट इज गिवन बाय 2 रेज टू पावर n इंटू m. तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, m की वैल्यू 3 थी, तो दिस इज 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू पावर 6. सेकेंड पार्ट इसमें हमें गिवन है, लेट आर बी आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी. अब बी से बी पे एक रिलेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि जितने भी उसके एलिमेंट्स बनेंगे दैट ऑल विल बी बॉयज. तो आर इज अ सेट, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी. देन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स. कि x और y जो हैं वो दोनों सेम सेक्स के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स क्योंकि b से b है तो बोथ विल बी द बॉयज. सो r इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू y सच दैट x एंड y हैव सेम सेक्स. सो अब इसमें देखो हमें क्या चेक करना है, देन दिस रिलेशन इज, अब इस रिलेशन को हमें ऑप्शंस दिए हैं, इक्वलेंस, रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. तो अब आप इसको चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं, ए कॉमा ए तो एक्स कॉमा एक्स. अब एक्स एंड वाई दो एलिमेंट्स हम यहाँ ले रहे हैं, दे आर हैविंग द सेम सेक्स. तो अगर हम एक्स कॉमा एक्स लेंगे, इफ एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ बॉय, यहाँ पे वही एक्स हम रिपीट कर रहे हैं, तो बोथ आर हैविंग द सेम सेक्स, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. देन इफ वी टॉक अबाउट द सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या कहता है, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई दिस इंप्लाइज दैट वाई इज आल्सो रिलेटेड टू एक्स. एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर. अब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम सेक्स.
दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r. अगेन क्योंकि ये दोनों बॉयज थे तो अगर हम उनका इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पे तो y एंड x अगेन दे आर हैविंग द सेम सेक्स, बोथ विल बी बॉयज. तो दैट इज रिलेटेड टू द रिलेशन, दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन. तो आपका जो ये गिवन है रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो. देन ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये वाला एलिमेंट रिपीट हो जाता है, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव. अब यहाँ देखो क्या है, x कॉमा y r को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि x एंड y बोथ आर हैविंग सेम सेक्स. y z बिलोंग कर रहे हैं r को, अगेन y एंड z विल बी हैविंग द सेम सेक्स, बोथ विल बी बॉयज. अब x बॉय है, z बॉय है, तो x कॉमा z विल आल्सो बिलोंग टू r बिकॉज दे बोथ विल बी हैविंग द सेम सेक्स. सो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. सो वी विल से दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो इक्विवेलेंस रिलेशन वाली ऑप्शन आप टिक करेंगे. अब उसके बाद है कि रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी. अब हमने क्या फॉर्म करनी है? फंक्शंस फॉर्म करनी है. तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम जब हम लेके चलते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी अगर हम लेके चल रहे हैं तो ए टू बी में जब हम फंक्शंस फॉर्म कर रहे हैं तो बी वाले एलिमेंट्स रेस टू पार ए वाले एलिमेंट्स हम लेके चलते थे. अब यहाँ पे हमें फंक्शन फॉर्म करना है फ्रॉम बी टू जी, बी से जी पे फंक्शन फॉर्म करना है. तो जो जी वाले एलिमेंट्स हैं दैट रेस टू पार दिस, इस वाले एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेज टू पार इस वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स. आपने यहाँ किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के एम थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के एन थे, तो एन रेज टू पार एम. बाद वाले की जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं बेस में, पहले वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं पावर में. तो बी टू जी था तो बाद वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू थे दैट इज इन बेस, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी पहले था दैट इज इन पावर. तो दैट विल बी 2 raised to power 3. तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू कैन इजिली फाइंड इट आउट. अब उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमें गिवन है नंबर ऑफ फंक्शन, आर एक रिलेशन गिवन है फ्रॉम बी टू जी डिफाइंड बाय. अब रिलेशन हमें यहाँ पे गिवन है, R is a relation from B to G such that R is equal to, अब इसमें हमें जो elements given हैं that are B1 G1, B2 G2, B3 G1, B1 G1, B2 G2 and B3 G1. अब अगर हम इसको देखें तो देखो हमारे पास set ऐसे given था, B1 था, small ले लेती हूँ, मैंने ऊपर small लिख दिए, this was B2, this was B3 और इधर गिवन था G1 and G2. B1 जो है that is related to G1, B2 जो है that is related to G2, B3 जो है that is related to G1. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमें जो options गिवन है then R is, R क्या है, injective है, surjective है, neither surjective nor injective, none of the above. अब injective, surjective. Injective means one-one check करना है, surjective means on-two check करना है. So B1 G1 से related, B3 भी G1 से related, तो it is not a one-one function. This is a many-one function. तो injective नहीं है. Injective आपको मैंने बताया था, आप injection से याद करोगे कि one syringe of injection can be used for one person only. तो ये आपका फंक्शन, क्योंकि B1 और B2 टू सिरिंजेस जो हैं, या आप कह सकते हो टू पर्सन के लिए हम वन सिरिंज यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन. उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सर्जेक्टिव की. तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है, इफ रेंज इज इक्वल टू को डोमेन. अब देखो ये दो एलिमेंट्स हैं इसमें सेट जी में, और दोनों की प्री इमेजेस हैं यहाँ पे सेट बी में. तो इफ इसका मतलब क्या हुआ, रेंज जो है दैट इज इक्वल टू को डोमेन. इफ रेंज इज
इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन आपका ऑन टू होता है. फंक्शन ऑन टू मीन्स दिस इज सर्जेक्टिव. तो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर. नेक्स्ट था नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, वो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि सर्जेक्टिव हम शो कर चुके हैं यहाँ पे. एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, वो भी नहीं है. तो सेकेंड ऑप्शन सर्जेक्टिव जो है दैट इज योर आंसर. उसके बाद जो है हमारे पास गिवन है फंक्शन, आपको चेक करना है वेदर एनी इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू जी इज देयर. तो अगेन वन वन नहीं है, तो देयर विल बी नो इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं दैट इज सम कंसेप्ट्स हैं डायरेक्ट जो अगेन हम यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के. अगर हमें गिवन है दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट अगर हमें गिवन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपने क्या करना है जो स्लोप है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है उसको आप इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स इट इज नॉट मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस. तो एंगल विद एक्स एक्सिस जो है वो जीरो है यानी कि स्लोप टैन थीटा जीरो हो गया. तो डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो पुट कर दोगे इफ यू कैन से दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देन अगर टेंजेंट जो है हमें y एक्सिस के पैरेलल गिवन है तो उल्टा कर देंगे. टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल मींस dx अपॉन dy को आप जीरो पुट कर दोगे. देन अगर हमें गिवन है टेंजेंट मेक इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस और कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस. टेंजेंट जो है अगर वो इक्वल एंगल्स बना रहा है एक्सिस के साथ तो आपका जो स्लोप होता है दैट विल बी प्लस माइनस वन. मतलब एक थीटा बन रहा है यू कैन से और एक माइनस थीटा एंगल बन रहा है तो दैट विल बी गिवन बाय. तो आपका उसमें क्या होता है कि स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इफ टेंजेंट मेक इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस और वी कैन से इफ टेंजेंट कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस. जो भी टेंजेंट लाइन होगी जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो वो इक्वल इंटरसेप्ट्स जो है अगर कट कर रहा है देन जो आप स्लोप लेके चलोगे डी वाई बाई डी एक्स वो प्लस माइनस वन हो सकती है आपकी. उसके बाद अगर हमें दो कर्व्स गिवन है सी वन एंड सी टू एंड वी से दैट दीज कर्व्स कट एट पॉइंट पी. जो भी कर्व्स की इक्वेशंस गिवन है वो दोनों कर्व्स अगर आपके कट कर रहे हैं लेट अस सपोज पी पॉइंट पे, तो हमें जो है एंगल बिटवीन टू कर्व्स अगर निकालना है तो दैट विल बी गिवन बाय फर्स्ट वाले कर्व की आप स्लोप निकाल लो, सेकेंड वाले कर्व की आप स्लोप निकाल लो. देन एंगल बिटवीन जैसे आप टू लाइंस का कंसेप्ट यूज करते थे सेम वे में यहाँ पे हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू ऑफ दीज. जो भी ये आपके कर्व्स हैं इनके बीच में टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. तो अगर आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो तो आप इसका मॉड्यूलस लेके चलोगे. देन अगर हमें कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनल गिवन है तो दो कर्व्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इट मींस दे आर कटिंग ईच अदर, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री. तो दोनों क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू माइनस वन. तो दो कर्व्स अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री. तो ये वर्ड आप के लिए नया नहीं है, आपकी बुक में भी ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन गिवन है. तो ऑर्थोगोनल मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी इक्वल टू माइनस वन. और अगर हमें वैसे एंगल निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. आपने ये सारे फॉर्मूले जो है वो प्लस वन में किए हुए हैं. देन एक फंक्शन मोनोटोनिक वर्ड आता है अगर, तो मोनोटोनिक मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है. मोनोटोनिक मींस इधर इट विल बी इंक्रीजिंग और इट विल बी डिक्रीजिंग. फंक्शन या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा. तो सी दीज वर सम कॉन्सेप्ट्स जो आपके ए ओ डी के बारे में थे. नाउ द बेल हैज गॉन सो यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट पीरियड. इफ एनी डाउट यू पीपल विल बी हैविंग तो यू कैन मैसेज मी योर डाउट्स.